वेल गाइस, हम बड़े एक सीरियस टॉपिक पे बात कर रहे थे जो कि आजकल बहुत ही एक ज़रूरी बात है जो हमें समझनी चाहिए कि हमारा क्लासिकल म्यूज़िक जो है वो कहाँ गया और उसकी जगह कब और कैसे रॉक एंड पॉप ने ले ली। तो हमारे साथ फहीम मज़हर साहब मौजूद हैं जो कि FC कॉलेज में पढ़ाते भी हैं एंड ही इज़ अ वेरी लर्नड क्लासिकल सिंगर। तो मज़हर साहब, आपसे हम ये पूछेंगे कि ये जो पॉप और क्लासिकल का फ्यूजन आजकल कर रहे हैं, ये पॉजिटिव चीज़ है या म्यूज़िक को ख़राब कर रही है? आपका इसके बारे में क्या कहना है? दरअसल कमर्शियलिज्म बहुत ज़्यादा है और उस कमर्शियलिज्म की वजह से बहुत से लोग जो है उनको पता ही नहीं कि क्लासिकल का हेरिटेज कितना वसी है, कितना डीप है, क्योंकि इट्स ए मेडिटेटिव आर्ट। इट्स नॉट मेयर एंटरटेनमेंट जिसे आप कहते हैं कि आप बैठें और आप रक्स करने लगें, और ये उसमें भी वजद की और रक्स की कैफियात मौजूद हैं, लेकिन द रेपर्टवा ऑफ म्यूज़िक ऑफ क्लासिकल म्यूज़िक इज़ क्वाइट इंटेंस। और उसको अगर इस तरह से बयान किया जाए कि उसमें रूहानियत का पहलू बहुत ज़्यादा है आजकल, क्योंकि म्यूज़िक फास्ट हो गया है, वी आर बिकमिंग मोर एंड मोर वेस्टर्नाइज्ड, तो म्यूज़िक जो है उसकी शक्ल कुछ बदल गई है। ये इसकी वजह ज़्यादा ये है कि आवाम को सिरोशनास होने का मौका नहीं दिया जाता। बहुत से चैनल्स हैं लेकिन आर्ट पे कोई काम नहीं कर रहा, कोई अपने हेरिटेज को प्रमोट करने की कोशिश नहीं कर रहा, जबकि कौमें जो हैं अब उनका तशख्स जो है वो आर्ट के बुनियाद पे जो है वो उसको जज किया जाता है। और हमारा आर्ट जो है इतना माशाल्लाह से जिसको कहना चाहिए खूबसूरत है, इतना नॉवल है, एंड वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू फाइंड सम वे आउट के हम इसको आवामुन्नास तक पहुँचा सकें और लोग इस चीज़ को समझ सकें कि इसकी असल रूह क्या है। तो उस रूह को आगे लेकर चलने के लिए, उस चीज़ को आगे प्रमोट करने के लिए वी नीड लॉट ऑफ एफर्ट एंड कमिटमेंट एज वेल एज सपोर्ट फ्रॉम ऑल साइड्स। अच्छा चलें, आपसे बातें तो होती रहेंगी लेकिन ये टाइम है, आप हमें कुछ क्लासिकल मौसीकी में कोई वो कलाम सुना दें, कोई खूबसूरत। किस वल जावा कोई न दसे, किस वल जावा कोई न दसे, मेरे सजन में तो नसे, मेरे सजन में तो नसे, प्रीत न आई रास रे प्यास रे, दर्दाद मारे जिंदड़ी रो, ते मिलने दे आस रे प्यास रे, दर्दा